गरुड़ क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में जंगलों में आग लगी हुई है, जिस कारण करोड़ों की वन संपदा को नुकसान हो रहा है, साथ ही पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं पर यहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने चिंता प्रकट की है। गरुड़ के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख बहादुर सिंह कोरंगा ने कहा है कि जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग कोई ठोस उपाय नहीं कर रहा है। उन्होंने बताया कि जंगलों में आग के कारण जंगली जानवर भी रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को खतरा बना हुआ है। उन्होंने जंगलों में फैली आग को नियंत्रित करने की मांग वन विभाग से की है। जंगल में आग लगने का तो सिलसिला लगातार जारी है। मैं वन विभाग से ये कहना चाहूँगा कि आग पर काबू पाया जाए और जिससे हमारे वन संसाधन भी नष्ट हो रहे हैं और इसके साथ साथ ही हमारे जो जंगली जानवर हैं, बाघ है, तेंदुए हैं, ये रिहायशी इलाके की तरफ बढ़ रहे हैं। इन पर काबू पाया जाए और ये जानवरों से गांव रिहायशी इलाकों को खतरा भी बना हुआ है। मैं वन विभाग से ये आग्रह करूँगा कि आग पर काबू पाने के जो भी ठोस नीति बनी बनाई है। सीसीएन न्यूज के लिए गरुड़ से अखिल जोशी की रिपोर्ट।